बहनों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी मूंग दाल का हलवा। इसके लिए हमने सबसे पहले एक कटोरी धुली हुई मूंग दाल को भिगो दिया रात भर के लिए, और फिर उसका पानी निचोड़ दिया और उसको कढ़ाई के अंदर डाल के रोस्ट कर लिया जब तक हमारी जो मूंग दाल है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो गई है। धीमी आंच पे हमने हमारी दाल को फ्राई करना है। ये हमारी दाल गोल्डन ब्राउन होके रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दानेदार रखना है। ये हमारी दाल पीस के रेडी हो चुकी है। अभी हम एक टोपिया रखेंगे। हमने एक कटोरी मूंग दाल ली थी तो चार कटोरी दूध लेंगे। दो गिलास पानी डालेंगे और इलायची डालेंगे। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप इलायची का पाउडर भी यूज कर सकते हो। हमें दूध को ज्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल गर्म करना है। ये हमारा दूध गर्म हो चुका है, अभी हम इसको छान के रख लेंगे। अभी हम हमारी कढ़ाई रखेंगे। हमने एक कटोरी मूंग दाल ली थी, एक कटोरी घी और एक कटोरी चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स। अभी हम कढ़ाई में गर्म होने के लिए घी डालेंगे। यह हमारा घी धीमी आंच पे गर्म हो रहा है। अभी हमारा घी गर्म हो चुका है, अभी हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। हमें ड्राई फ्रूट्स को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये हमारे ड्राई फ्रूट सुनहरे हो चुके हैं। अभी हम छन्नी से हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे और हलवाई जैसी रेसिपी बनाने के लिए हम एक चम्मच बेसन और एक चम्मच सूजी ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है और ये मैंने एक चम्मच सूजी और एक चम्मच बेसन नाप के रखा हुआ है। अभी मैं इस घी के अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छे से सुनहरा होने तक भूनूंगी। जब हमें हल्की हल्की महक आने लग जाए तब हम इसके अंदर हमारी मूंग दाल के पाउडर को ऐड करेंगे। हमारा बेसन और सूजी अच्छे से भून चुका है, अभी हम इसके अंदर हमारी दाल का पाउडर ऐड करेंगे। हमें दाल को अच्छे से मिक्स करना है। जब दाल को चलाना मुश्किल हो जाए तो उसके अंदर घी ऐड करके हम उसको फिर हल्के हाथों से चलाएंगे। अभी हमारी दाल अच्छे से भुन चुकी है। देखिए इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। अभी हम दूध डालेंगे तो इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। हमें अच्छे से कोंचे को चलाते हुए दूध डालते हुए इसको अच्छे से चलाना है ताकि हमारी जो दाल है उसमें गुठलियां ना पड़े। धीमी आंच पे हमें हमारे हलवे को पकाना है। धीरे धीरे करके कोंचा चलाना है और ढकते रहना है। अभी हमने हमारी कढ़ाई को ढक के रख दिया 5 मिनट्स के लिए। अभी हम हमारी कढ़ाई को खोल के देखेंगे और उसके अंदर कोंचा चलाएंगे। अभी हमारा हलवा साइड से घी छोड़ने लग गया है। अभी हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे जो हमने एक कटोरी नाप के रखी थी। और अभी हम कोंचे को चला देंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और हमारे हलवे को जब तक चलाएंगे जब तक हमारा हलवा कढ़ाई ना छोड़ दे। ये देखिए हमारा हलवा धीरे धीरे कढ़ाई छोड़ने लग गया है। देख
हमारा हलवा बनके रेडी हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ये मेरी सेकंड वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो और लाने के लिए। ये हमारा हलवा बिल्कुल मार्केट जैसा बनके परफेक्ट रेडी हो चुका है। ना ही मैंने इसमें कोई केसर का यूज किया है, ना ही कोई कलर यूज किया है।